गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में आइसक्रीम खाना सभी को बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद है और बच्चों को भी पसंद है। तो आज हम मात्र दो तीन चीजों से केवल बनाने वाले हैं कुल्लड़ कुल्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है और सभी को पसंद आएगी। जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी कुल्फी का दीवाना हो जाएगा। तो ना ही हमको मिल्क पाउडर चाहिए, ना ही हमको मिल्क मेड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और हम बहुत टेस्टी सी, बहुत ही हेल्दी सी और हाइजीन तरीके से बनाएंगे कुल्लड़ कुल्फी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। तो कढ़ाई में हमने 2 चम्मच पहले पानी डाला है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो दूध है ना वो लगता नहीं है तली में, यानी कि जलता नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है और दूध हमारा आधा लीटर से ज़्यादा है, 1.25 लीटर समथिंग है। दूध में उबाल आने तक का वेट करेंगे। तब तक हम इधर हम जो कुछ काजू हैं और कुछ बादाम हैं, जिनको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था, तो बादाम का हम छिलका उतार देंगे और इनका एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। एक इस हमने जो पेस्ट बनाया ना, थोड़ा दरदरा है क्योंकि हमारे जार से ना इससे होता नहीं है ज़्यादा बारीक। आप बारीक भी बना सकते हैं, दरदरा भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और इधर देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है और हमने यहाँ पे आधा कप के करीब दूध लिया है और उसमें हमने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और ये हमारा वनीला फ्लेवर का है। और उबाल आने से पहले ही हमने जो है दूध ले लिया था, जिसमें हमने कस्टर्ड घोला है, यानी कि रूम टेम्परेचर हल्का जैसे ही गुनगुना हुआ था क्योंकि फ्रिज का दूध था, तो वैसे ही हमने ले लिया था। और उसमें हमने इसका जो घोल बना लिया है और इस घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे और चलाते जाएंगे, जिससे अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा केसर के धागे भी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे कुल्फी का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। और दूध को यहाँ पे देखिए 10 मिनट के करीब हो गए हैं बॉयल होते हुए। और अब मैंने यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी है, 5 से 6 चम्मच मैंने चीनी ऐड की है। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था ना बादाम का और काजू का, वो भी ऐड कर दिया है। और फिर से हम थोड़ी देर दूध को बॉयल करेंगे, जिससे हमारा जो दूध है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देखिए हमारा दूध जो है ना काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे जो गैस है उसको बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा था, तब तक मैं गार्निश के लिए बादाम को और पिस्ता को ग्रेट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो छोटा छोटा कट कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो मैंने दोनों को ही ग्रेट कर लिया है, बादाम को और पिस्ता को। और इधर देखिए दूध को हमारे को 2 घंटे हो चुके हैं रखे हुए, काफ़ी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको देखिए मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मैंने कुल्हड़ नहीं खरीदे हैं। मैंने सोचा कि मैं कुल्हड़ में पैसे क्यों डालूँ, कुल्हड़ के आकार के मेरे पास ये गिलास रखे हुए थे, तो इस वजह से फिर मैंने कुल्हड़ नहीं मंगाए। मैंने पैसे खर्च करना उचित नहीं समझा। बस क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये कांच का है और वो मिट्टी का होता है और बस आकार एक ही है। तो मैंने सोचा मैं क्यों पैसे खर्च करूं, तो मैंने नहीं किए हैं। वैसे इसको आप कुल्हड़ में जमाएंगे ना तो और भी अच्छा टेस्ट लगेगा आपको खाने में, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास गिलास रखे हुए हैं तो मैं इनका यूज करूं और पैसे ना खर्च करूं। सभी को हमने गिलास में डाल दिया है और डालने के बाद हमने फॉइल पेपर से ढक दिया है और ऊपर से हमने रबर लगा दी है, जिससे अच्छी तरह से एकदम से बंद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी को फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया है। मिलते हैं सुबह, करते हैं साथ में कुल्फी एंजॉय। अब मिल रही हूं मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में और अब मैं जा रही हूं और आइसक्रीम को निकाल के ला रही हूं और आपको दिखाती हूं और टेस्ट करूंगी कैसी बनी है। और चलिए तो पहले निकाल के लेके आती हूँ। तो मैं अभी सब नहीं खोलने वाली हूँ, सिर्फ दो खोलूंगी, एक अपने लिए और एक भगवान जी के लिए, पूजा के लिए, मतलब भोग लगाने के लिए बस, क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है तो मैं पूरा नहीं खोलूंगी। तो चलिए
वाव, देखिए देखिए जम चुकी है कितनी बढ़िया तरीके से, ये देखिए। तो आप भी जरूर बना के देखिएगा। और चलिए एक भगवान जी के लिए रख के आते हैं। तो बाकी को मैं फिर से फ्रीजर में ही रख दे रही हूं, क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है, पिघल जाएगी, तो बाकी को मैं फ्रीजर में ही रख दे रही हूं। बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग भी ट्राई जरूर करना। कोई मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, मिल्क मेड नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर चाहिए और हमारी इतनी बढ़िया इतनी टेस्टी कुल्फी बनकर रेडी हो चुकी है। तो एक बार जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी बनी थी। फैमिली में सभी को पसंद आएगी, जिनको भी खिलाओगे ना तारीफ के पुल बांधेंगे आपके, पूछेंगे जरूर कैसे बनाई है। तो चलिए अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ और आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। तो बाय बाय।